हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। और स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे आप सबों का। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और बेहतर रहें और अच्छा करते रहें, हमेशा हंसते रहें, खुश रहें। ये हमारा यूट्यूब चैनल पे फर्स्ट वीडियो है जो प्रोजेक्ट से रिलेटेड डाल रहे हैं हम। ये हमारा फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट जो सेल्फ चार्जिंग कार का हमने बनाया था, ये उसके ऊपर है। आगे बढ़ने से पहले हम चाहेंगे कि आप हमें कृपया सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसे ही नए नए मज़ेदार और सीखने वाले यूट्यूब के टॉप वीडियोस में आपको हमारी वीडियोस मिलती रहे, ताकि आप कुछ कुछ घर पे ही सीख सकें और अपने प्रोजेक्ट्स को बना सकें। ये हमारा इलेक्ट्रिक कार का प्रोजेक्ट है जो 24 वोल्ट की टू बैक बैटरी पैक्स पे चलती है, जो ओवरऑल 48 वोल्ट की बैटरी पैक है। इसके अंदर जो स्टेयरिंग मोटर का इस्तेमाल किया गया है वो गियर स्टेयरिंग मोटर है, जो व्हील पे सेट किए गए हैं बैलेंस करके, ये स्प्रिंग से लेफ्ट राइट करता है, ठीक है, एज अ सिग्नल जब इसमें हम देखते हैं। जैसे फ्रंट में टू LEDs हैं, जो एक हेडलाइट LED के तौर पर इसका इस्तेमाल किया गया है, और बैक में भी इसकी जो दो रेड कलर की LED दी गई है जो ब्रेकिंग्स और बैक लाइट्स के लिए है, जब बैक किया जाए तो रेड कलर की LED इसमें ग्लो करती है। 3.7 वोल्ट की लिथियम बैटरी इसका सीरीज में कनेक्शन किया गया है, इसमें सोल्ड आउट करके इसको सीरीज में इसको 48 वोल्ट की बैटरी पैक बनाई गई है। इसके अंदर टू टाइप्स के पैक्स डिवाइडेड है एक्चुअली, 24 वोल्ट 24 वोल्ट। जब बैटरी ए पैक रन करती है तो बैटरी बी पैक चार्जिंग होती है। इससे क्या होता है कि हमारी गाड़ी का ड्यूरेशन बढ़ जाता है, जर्नी ड्यूरेशन। सो फॉर इसके अंदर काफ़ी अच्छी बात यह है कि इसके अंदर जो बैटरी का इस्तेमाल हम कर रहे हैं वो लिथियम आयन की बैटरी है, जो 3.7 वोल्ट की है, 24 वोल्ट 24 वोल्ट में चलती है। बट ये चार्जिंग एक साथ ही होती है, अगर इलेक्ट्रिक से चार्ज करना हो तो 54 वोल्ट के अडेप्टर से 55 वोल्ट के अडेप्टर से ये चार्ज होती है। इसके अंदर एक विंड मिल का सिस्टम दिया गया है, ताकि जब गाड़ी चले तो हवा से भी ये चार्ज हो सके। लेफ्ट राइट इंडिकेटर्स दिए गए हैं, गाड़ी की फर्स्ट टेस्टिंग सक्सेस हुई थी। फिर इसके अंदर एक्चुअली में जो मेन चीज़ें होती है, हॉर्न, ये सब चीज़ें इन बिल्ट करना, तो हमने इसमें इसके स्पीकर का जो जक बॉक्स होता है, जो हमारा जो नॉर्मल स्पीकर्स होते हैं, जो ब्लूटूथ स्पीकर्स का, हमने इसमें हेल्प से इसको इंक्लूड किया है। चारों मोटर्स हमारे इसमें जो हैं, एक 12 वोल्ट की मोटर है जो 100 RPM की मोटर्स हैं, जो 12 वोल्ट की बैटरी पर रन करती है वो मोटर्स का। इसमें चार मोटर्स का इस्तेमाल किया गया है। ये बैक LED हैं, जो इसकी रेड कलर की बैक LED होती है, जो 12 वोल्ट की है हमारी। और इसके अंदर जो चार्जिंग स्टेशन है हमारा, वो 55 वोल्ट DC चार्जिंग स्टेशन है इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है। और दूसरी बात, इसके अंदर जो चार रिले लगाई हुई है वो स्विचिंग के लिए लगाई गई है, और उसकी जो रिले होती है स्विचिंग का काम करती है। जो चार रिले है वो इसके रेडियो कंट्रोलर मदरबोर्ड से कनेक्टेड है। जब हम सिग्नल देते हैं, कंट्रोलर बॉक्स कंट्रोलर सिग्नल दे करंट प्रोवाइड करता है हमारे रिले को, और रिले स्विच होता है तभी हमारा गाड़ी आगे या पीछे होती है, ठीक है। और इसके अंदर कोई बड़ी प्रिंसिपल्स का इसमें इस्तेमाल नहीं किया गया है, काफ़ी सिंपल और काफ़ी कॉम्पैक्ट इसे बनाया गया है। इसमें लेफ्ट राइट इंडिकेटर्स दिए गए हैं जो छोटे छोटे वाइट कलर्स के हैं, काफ़ी अच्छे लगते हैं देखने में। और दूसरी बात यह कि इसके अंदर जो स्पीकर बॉक्स ही आप देख रहे हो, ये स्पीकर बॉक्स आर्टिफिशियल साउंड क्रिएट करता है इंजन की। अगर आप चाहो तो अपनी मदद एप्लीकेशन की मदद से साउंड को चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। इसके अंदर हॉर्न दिए गए हैं, साउंड्स हैं, गाड़ी की चेंज करने की सिस्टम्स हैं, ये सब काफ़ी इसको अट्रैक्टिव बनाती है। चारों व्हील्स इसके जो हैं सो साइकिल के बैलेंस वाले व्हील्स का इस्तेमाल किया गया है। हर चीज़ इसमें खुद से बनाई हुई है, मेटल की, जो स्टील मेटल की इसके अंदर रॉड्स का इस्तेमाल किया गया है इसके स्ट्रक्चर के लिए, और इसके ऊपर प्लाई बोर्ड का कनेक्शन के लिए। ये हमारे कॉलेज में इसका टेस्टिंग होने के बाद इसको फर्स्ट प्राइज दिया गया हमारे प्रोजेक्ट को, और काफ़ी मैं हैप्पी हूँ इस बात से, और थैंक यू। और आप सभी को भी इस प्रोजेक्ट को शेयर करें, और जिनको भी ऐसे प्रोजेक्ट्स बनानी हो या बनवानी हो हमसे, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर है 700-4615-639। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, 700-4615-639। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो,
और ये हमारा प्रोजेक्ट पसंद आया हो आप सबों को, और इसी के साथ मैं अपने वीडियो को आप सबों के पास लाता रहूँगा। और थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, और हमें सपोर्ट ऐसे ही करते रहें।